राज्य राज्य इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु शेखर, आज मैं आपको बीएससी और बीपीएससी कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन कैसे कैसे राज्य व्यवस्था एक क्वेश्चन आयर पूछे जाते हैं, तो आप सेकेंड्स में देखते ही क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसके लिए आप कैसे पढ़ेंगे कम समय में और कैसे क्वेश्चंस को इजीली क्रैक करेंगे, आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश। तो पहले जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में जो क्वेश्चन आयर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आयर का जो प्रारूप होता है वो राज्य व्यवस्था से होता है, और राज्य व्यवस्था का मतलब ही होता है राजा की व्यवस्था, और राजा की कोई भी व्यवस्था, व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट का मतलब है। ये पॉलिटी सबसे पहले, ये पॉलिटी में सबसे पहले ये जो जुड़ा हुआ वर्ड है, ये जो जुड़ा हुआ वर्ड है वो राजा की व्यवस्था, इसका मतलब वो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात ये समझिए, खाली संविधान पढ़ने से पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए संविधान को पढ़ना जरूरी है। तो अभी सारा चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस लेक्चर का उद्देश्य यही है। जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आपके चेहरे पे मुस्कान आए और क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में टिक मार लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए। तो इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत होती है, और दूसरा तब पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एकदम सिंपल शब्द में समझिए सारी बातों को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसका मतलब ये पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और इसमें एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड नॉलेज अबाउट अदर कंट्री, अदर अदर्स कंट्रीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू भारत, आई मीन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। इसलिए हमने आपको बोला जो कि आप पॉलिटी को कैसे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब हुआ राज्य व्यवस्था यानी राजा की व्यवस्था, और राजा की व्यवस्था के अंतर्गत उसका एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, और ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, तो रूल ऑफ लॉ से चलता है। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा जो विधि का शासन जिसको हिंदी में कहते हैं, ये कहां से आया है, रूल ऑफ लॉ होता क्या है। पहली बात, फैक्ट्स, कि आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे, कोई भी जीएस का विषय पढ़ेंगे कमीशंस के लिए, तो एक बात याद रखिएगा, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट पॉलिटिकल अपहीवल्स होते हैं, और तीसरे क्वेश्चंस मेमोरी पार्ट के होते हैं। तो मेमोरी पार्ट के लिए मेमोरी की भी जरूरत है और प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते काम करते करते इस सीरीज बनाते बनाते है ना, आपको वो मेमोरी पार्ट भी जीभा पे आ जाएगा, जुबान पे आ जाएगा, लर्निंग में आ जाएगा। इसलिए हर चीज के पढ़ने का तरीका है, जो फैक्चुअल पार्ट से क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग इन अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट्स की बात है, और जो मेमोरी की बात है वो मेमोरी की बात है। अब क्वेश्चन पूछ देगा मेमोरी में, जो भारतीय संविधान को बनने में कितना दिन लगा, देखिएगा ये भी 68 पीटी जो बीपीएससी में है उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो जनरली टैक्ट ये तो याद रखना ही पड़ेगा, जो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगभग 3 साल, मेरी बात समझ रहे हैं। अब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य का चुनाव हुआ, तो आपको तो ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा ना, जो कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जितने थे वो बेसिकली 389 थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। लेकिन आपको अगर रूल ऑफ लॉ कहां से आया ये भी याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन समझदारी क्या है, आप एनालिसिस कैसे करेंगे, अब डेमोक्रेसी को एनालिसिस कैसे करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप राइट टू वोट है आपके पास, डेमोक्रेसी वर्ड कहां से आया है, ये सारे। इसलिए हमने बोला जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं या कोई भी जीएस का पेपर पढ़ते हैं, मेमोरी पार्ट को अलग रखिए और एनालिसिस पार्ट यानी फैक्चुअल क्वेश्चंस यानी अंडरस्टैंडिंग पार्ट को अलग रखिए।
क्योंकि आपका जो एकेडमिक इनसाइट है ना, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत स्मार्ट होना चाहिए। तो आइए हम आपको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसके रिगार्ड्स में को फाइव फेज में बांटा गया। आप ओवरऑल मोटा मोटी देख लीजिए, ये सब ओवरऑल क्वेश्चन आयर के रूप में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा 1909 में एक डेवलपमेंट हुआ संविधान के विकास के रूप में, जो हमारा संविधान कैसे बना उसका पहला डेवलपमेंट, ये ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एकदम एट ए ग्लांस आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जानना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आया 1919 में, ये भी आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। लेक्चर में हिंदी में ही ले रहा हूं, लिख रहा हूं इंग्लिश में, लेकिन हम सबकी हिंदी बोल रहे हैं, एकदम जो मानक हिंदी है। और इसके बाद जस्ट जो डेवलपमेंट हुआ आप देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है ना, 1919 के बाद एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है ना, इसको कहते हैं 1935 है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप ये इतना महत्वपूर्ण है, ये इतना महत्वपूर्ण है, यही हमारे संविधान का आधार है। मूल संविधान का दो तिहाई आधार यही है, संविधान का आधार है ये। अभी मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, ये नेहरू रिपोर्ट पे बेस्ड है, मेरी बात समझ रहे हैं, जो 1927 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाया गया था स्वराज पार्टी, वो अंग्रेज को एक पैर पर खड़ा कर दिया था, इट्स ए पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ये बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आज के वर्तमान संविधान का दो तिहाई प्रोविजन इसी से लिया गया है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया 1947 है ना, 1947 जो है ये बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको इंडियन इंडिपेंडेंस EN लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसको लिखने के पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इस दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फ्यूड आया जो 1946 में, लिख देते हैं हम, चुनाव हुए, है ना, ये चुनाव कैबिनेट मिशन के आधार पर हुए है ना, संविधान सभा की स्थापना हुई ये चुनाव के बाद, आप ऑलवेज याद रखिए, और ये चुनाव का दो आधार था, ऑलवेज याद रखिएगा, सीमित मताधिकार, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हिंदी कहते हैं सीमित मताधिकार, वीडियो को रिपीट करके आप देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं हिंदी, और इसको कहते हैं पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट को कहते हैं पृथक निर्वाचन। और इसको कहते हैं सीमित मताधिकार। इलेक्शन इसी दो बेसिस पे हुआ, पहला बेसिस ये, दूसरा बेसिस ये हमने आपको जस्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की है ना, हमने आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात, जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात हमने की तो इसमें हम सबसे पहले आपको 1946 वाली घटना का जिक्र किया, इसमें बेसिकली कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे चुनाव कंडक्ट किए गए है ना, और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, उसके कुल 300
389 मेंबर थे, है ना, जिसमें 296 जो है वो ब्रिटिश स्टेट से थे, जो ब्रिटिश शासित प्रदेश थे, और रेस्ट जो थे 73 वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड थे, है ना। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। और संविधान सभा यहां 1946 के बाद आप देखिएगा, हम लिख देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लिमिटेड पावर था तब। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लीगल बॉडी बनाने के लिए, इसको सॉवरेन बनाने के लिए सॉवरेन का मतलब लीगल पावर देने के लिए लीगल पावर देने के लिए संविधान सभा को क्या आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, ठीक है। और इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद आप यह जान जाइए फर्स्ट मीट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत गर्व की बात है बिहार वालों के लिए, खासकर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो इंतरिम प्रेसिडेंट बनाए गए, इंतरिम, अध्यक्ष बनाए गए एसएन सिन्हा, सिन्हा लाइब्रेरी पटना में है। है ना। और फाइनली सेकेंड मीट जो है दिसंबर को हुआ संविधान के लिए, और इसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पे। सेकेंड मीट में किसको बनाया गया, ये 11th दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, इलेक्ट किया गया। और जब तक संविधान नहीं बन गया, संविधान बनने की अवधि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तब तक वो के परमानेंट प्रेसिडेंट बने रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के, भारत जब गणतंत्र हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो चुनाव, पहला चुनाव मई 1952 में हुआ, उससे पहले संविधान सभा ही हमारे टेम्प्रोरी पार्लियामेंट का काम करती थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट का। और ठीक, और उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। ये सारे इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। रेस्ट इसके बुलेट पॉइंट के रूप में इसकी ब्रीफिंग आएगी। ये पहली बात। अब जहां तक दूसरे बात की बात करते हैं, तो हम आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनकर करते हैं। उस इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे, उस इंफॉर्मेशन के लिए आप, हमने जब भी पॉलिटी के बारे में हमने कहा तो यहां हमने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरे पार्ट के बारे में हमने आपको कहा जो पॉलिटिकल
सिस्टम के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था, यानी हम राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम में दो तीन बातें और आती है जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहां से आया, कैसे आया, कितने प्रोविजंस हैं, अदर कंट्री से इसकी तुलना भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहां आप जान जाइए, हमारे यहां पॉलिटिकल सिस्टम में याद रखिएगा संसदीय प्रजातंत्र है, वो कहते हैं संसदीय प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लिख देते हैं, प्रजातंत्र उसको कहते हैं। अब देखिएगा पॉलिटिकल सिस्टम में इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। जब भी हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल सिस्टम में दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप देखिएगा हम थोड़ा सा आपको कंपेयर करके भी बताते हैं, क्योंकि ये विषय वस्तु के अंतर्गत आता है इसलिए बता रहे हैं। यहां आप यूएसए का संविधान देखिए, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। यहां आप फ्रांस का संविधान देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं, आप जाके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और आप अगर यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का संविधान को देखें, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है ना, तो इसलिए आप देखेंगे यहां जो है राष्ट्रपतीय प्रणाली है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। और कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात सब बोल रहे हैं। और यहां देखिएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी इंडिया में यहीं से लिया गया है संसदीय प्रजातंत्र को, कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सारे क्वेश्चन से आप देखिएगा भारत में, भारत में जो लिए गए हैं वो ये इंडिया में यही है, लेकिन इंडिया में ये गवर्नमेंट जरूर है भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड में भी अंतर है, इंडिया और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अंतर है। समानता यह है दोनों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहां रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके यहां अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, यह भी आपको जानना चाहिए, क्या अंतर है यह भी जानना चाहिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए। हमारे यहां रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशन सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट्री एक्ट सुप्रीम होता है, स्टैट्यूट सुप्रीम होता है, ये सारी बातों को आप समझ लीजिए। स्टैट्यूट्स का मतलब संविधि और कॉन्वेंशन का मतलब ये होता, चूंकि पार्लियामेंट्री, हमारे यहां रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ में अंतर होता है, लेकिन इंग्लैंड में क्योंकि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटेन है, तो वहां कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑर्डिनरी लॉ में अंतर नहीं होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात भी आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब यहां अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, इसको हम घेर दिए हैं, आप सोचिए फ्रांस में एक तो इंग्लैंड अमेरिका वाला संविधान एडॉप्ट है, और आप देखिए यूके का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ये दोनों एडॉप्ट है, इसलिए यहां देखिएगा मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यहां मिक्स्ड है। क्वेश्चन भी समझ गया, लिखवाएंगे सारा चीज लिखवाएंगे, एक ब्रीफिंग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में भी यही गवर्नमेंट है, लेकिन इंग्लैंड और इंडिया के फॉर्म में अंतर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, इसका अनरिटेन है। अब बोलेगा रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट होता है। वो चलता कैसे है, तो परंपरा से, कन्वेंशन से, ऐसा प्रैक्टिसेस जो बाइंडिंग हो गवर्नमेंट को चलाने के लिए, क्योंकि राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, राजा की ऐसी व्यवस्था, राज व्यवस्था के अंतर्गत राजा की ऐसी व्यवस्था आती है, क्योंकि राजा की व्यवस्था में ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं, जहां लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशियरी भी है, इसलिए रूल ऑफ लॉ सबके बने हुए हैं, ऑलवेज ये सारी बातों को याद रखिएगा, ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट में आता है। इसलिए हमने कहा हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी हमारे यहां
कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, हमारे यहां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलवेज याद रखिएगा सुपरमेसी किसका होता है, कौन होता है, संविधान। एकदम हिंदी में बोल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी ये वर्ड आता है डेमोक्रेसी, ये अपने आप में दो तीन क्वेश्चन बनाते हैं, ये भी हम बताएंगे। हमारे यहां लिबरल डेमोक्रेसी है, हमारे यहां क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी है, हमारे यहां रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हमारे यहां संसदीय प्रजातंत्र है, इसलिए लिखा हुआ है इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, इसलिए डेमोक्रेसी से इतने क्वेश्चन आते हैं। बाद में जब हम प्रियम्बुल को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आयर पे काम करेंगे। तो ये हमने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया, जो हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑर्डिनरी लॉ में अंतर है, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड का संविधान कॉन्वेंशन से चलता है, स्टैट्यूट से चलता है, पार्लियामेंट्री एक्ट से चलता है। कॉन्वेंशन का मतलब ही होता है दोज प्रैक्टिसेस विच इज बाइंडिंग, है ना, और स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस बात को आप याद रख लीजिए। अब दूसरे पहलू पे आते हैं, जो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए संविधान में, संविधान को जानना, भारत के संविधान को जानना जरूरी है। और जहां जहां इंडिया के संविधान वर्ल्ड के दूसरे कंट्री के संविधान से क्वेश्चन आयर पूछे जाते हैं, उसको उस हद तक समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए नेक्स्ट। आप सबसे पहले ये देखिए, मैं जो बता रहा हूं, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो आप ये बात समझिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे। किसी भी देश की ये मौलिक विधि होती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। सबसे पहली बात, हम संविधान के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद संविधान के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम इनकर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस, यानी रेखांकित करता है कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द होप्स एंड एस्पायरेशन, आपकी अभिप्सा क्या है, अभिलाषा क्या है, आपका उम्मीद क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपकी अभिप्सा क्या है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आउटलाइंस द होप्स फेथ एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये भी तीसरी महत्वपूर्ण, दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले तो हमने बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। उसके बाद हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द होप्स फेथ एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए, इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऐसा विधिक दस्तावेज है
विच हैविंग ए स्पेशल लीगल एंटिटी। एक एक शब्द हिंदी या अंग्रेजी के मानक हैं और एक एक शब्द क्वेश्चनेयर बनाने वाले हैं। इसलिए हमने पहली बात यह कहा, दूसरी बात हमने कहा यह रेखांकित करता है क्या हमारे देश की लोगों का, यानी सिटीजन का, सिटीजन बोल रहे हैं, पर्सन नहीं बोल रहे हैं, व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, नागरिक बोल रहे हैं। ऑलवेज याद रखिए व्यक्ति और नागरिक में फर्क है। जब आगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पे आएंगे हम तो वहां आपको ये एनालिसिस कंप्लीटली समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली आपको एक एम्बियंस डेवलप कर रहे हैं जो आप कैसे पॉलिटी को पढ़ेंगे। टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चंस आप बनाना शुरू करेंगे बहुत कम समय में देखते ही क्वेश्चंस को आप टिक कर देंगे और सही सही आंसर को। इसलिए हमने कहा जो इट आउटलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस रेखांकित करता है द होप्स फेथ एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और तीसरा ये एक ऐसा विधिक दस्तावेज है, ये एक ऐसा विधिक दस्तावेज है जिसका एक खास विधिक महत्व है। इट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स विच हैविंग स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ये संविधान के बारे में कहता है। उसके बाद आप और भी बोल सकते हैं ये जो है विजन ऑफ द स्टेट्स को बताता है, विजन ऑफ द स्टेट्स को बताता है। पीपुल का ही नहीं राज्य का दृष्टिकोण क्या है, विजन क्या है। और राज्य के विजन में ऑलवेज याद रखिएगा उसका फिलॉसफी आता है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप आता है और नेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है। विजन का मतलब, विजन ऑफ द स्टेट का मतलब यह होता है, ये स्टेट का मतलब याद रखिएगा। अभी हम बोल रहे हैं जो अनुच्छेद आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा है वो अनुच्छेद 36 में भी वही परिभाषा है, अभी हम उसको टच नहीं किए हैं, आज पहला लेक्चर है। इसलिए जो डेफिनेशन स्टेट का दिया हुआ है वो स्टेशन वो आर्टिकल 12 में वही आर्टिकल 36 के लिए है। स्टेट का डेफिनेशन क्या है ये भी मैं बताऊंगा। वहां ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या व्यक्ति राज्य है, इज ए पर्सन मे बी ए स्टेट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताएंगे क्या आंसर होगा। लेकिन सबसे पहले हमने कहा विजन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है, विजन ऑफ द स्टेट उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी को बताता है, उसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को बताता है, उसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बताता है ना। अब आप देखिए, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बताया, जो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमने आपको सबसे पहले बताया अभी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कंक्लूड किए कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द एकदम स्पष्ट बात विजन ऑफ द स्टेट इट्स ए डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स होप्स फेथ एंड एस्पिरेशन। इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट्स having a special legal entity। इतनी बात दिमाग में आप रख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सारा इंफॉर्मेशन। और हमने अगर विजन ऑफ द स्टेट बोला तो आपको समझ में आया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसॉफी को बताता है, हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को बताता है, हमारे गवर्नमेंट्स के मैकेनिज्म को बताता है, का भी एनालिसिस है। तो ये एनालिसिस में ऑप्शन में यही रहेगा विजन का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
जैसे हमने डेमोक्रेसी के बारे में बताया है ना, कि डेमोक्रेसी से भी जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब देखिए आप प्रियम्बुल की तरफ देखिए, आप अब प्रियम्बुल की तरफ देखिए। प्रियम्बुल में आप एक चीज देख लीजिए, जो प्रियम्बुल में कहता है हमारे पूरे पॉलिटी का आधार क्या है। हमारे प्रियम्बुल में कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पॉलिटी इसलिए भी पढ़ते हैं, संविधान राजव्यवस्था के साथ साथ संविधान का अध्ययन इसलिए भी करते हैं, जो हम भारत के नागरिक हैं और हमें संविधान को जानना चाहिए जागरूक नागरिक होने की हैसियत से। इसलिए कॉमन आयर आदमी के लिए भी ये इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। हम यहां लिखे हुए संविधान लिखता है, यहां देखिए प्रियम्बुल यहां है, प्रस्तावना इसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। अंग्रेजी में प्रियम्बुल कहते हैं, इसी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, उद्देशिका या उद्देशिका प्रस्ताव। क्वेश्चन पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू से संविधान सभा में कब प्रपोज किया इस प्रस्तावना को, तो 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अंग्रेजी है दूसरी, इसी का नाम कि 22 जनवरी 1947 को यह पारित कर दिया गया। तो इसलिए आप ऑलवेज याद रखिए इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा है वी द पीपुल, इसका क्या मतलब है। आप यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, पीपुल्स होप्स फेथ एंड एस्पिरेशन। अब गौर कीजिए, यह नहीं लिखा हुआ है वी द लॉयर, यह नहीं लिखा हुआ है वी द प्रोफेसर, यह नहीं लिखा हुआ वी द टीचर, यह नहीं लिखा हुआ वी द पॉलिटिशियंस। हमारे संविधान की इसलिए मर्म को समझिए, क्या एनालिसिस है, कैसे क्वेश्चंस पे जाएंगे। प्रस्तावना ही संविधान का फिलोसॉफी है, क्योंकि ये हमने इसलिए कहा ये एक फिलोसॉफी है, ये हमारी कुंजी है। इसलिए प्रस्तावना के बारे में यहां लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है बोलने, लिखा हुआ है वी द पीपुल, हम भारत के लोग, नहीं लिखा हुआ है हम मतलब हु द पीपुल में ये नहीं बोला लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रोफेसर, हम एडवोकेट, हम राजनीतिज्ञ। यानी इसका मतलब क्या है, हमारे संविधान का पावर कौन है, सोर्स कौन है, जनता। इसलिए आज के पॉलिटिकल अपहीवेल्स में अगर कोई ये बोलता है क्योंकि हमको इन्होंने ये बना दिया, नहीं, जनता ने बनाया। डेमोक्रेसी का मतलब ये फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ऑलवेज याद रखिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का। अब्राहम लिंकन के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है डेमोक्रेसी का। तो यह सब चीज भी आपको एक जानकारी रहना चाहिए। तो इसलिए हमने यहां, आप देखिए, इसलिए यहां लिखा हुआ वी द पीपुल, हम भारत के लोग, संविधान में है ना वी द पीपुल, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वी द पीपुल का मतलब समझ लीजिए, हमारे संविधान का, हमारा स्रोत, हमारा शक्ति का स्रोत क्या है, आधार क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम भारत के लोग। आइए फिर अगले पेज में हम आते हैं, नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन हम इनकर करते हैं, है ना, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए आइए। वहां अगर प्रियम्बुल में आप देखेंगे, जब भी प्रियम्बुल पढ़ेंगे तो प्रियम्बुल में जब भी प्रस्तावना, जब भी आप संविधान पढ़ते हैं, जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम आपको अभी एकदम सिंपल बात बता रहे हैं, जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब क्या होता है जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ लर्निंग, उसके बाद क्या, लर्निंग इनसाइट, फास्ट डेवलप करना। तो इसलिए आप एक एट ए ग्लांस काम जरूर कीजिए, जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना है, प्रियम्बुल है, और ये प्रियम्बुल के अंतर्गत ही, ऑलवेज याद रखिए, तीन लेग हैं। आप देखिएगा प्रियम्बुल में मेंशन है, लिखा हुआ वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली, ये सोलोमन प्लीड है, सिक्योरनेस ऑफ द पीपुल, पीपुल के, ये सोलोमन प्लीड है, पवित्र प्लीड है, वचन देते हैं, पब्लिक की सुरक्षा की गारंटी देते हैं,
ये सोलोमन प्लीड है किसको, सिटीजन के लिए, ना कि पर्सन के लिए बोल रहे हैं अभी हम। वो लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर इट्स सिटीजन नॉट पर्सन। ऑलवेज याद रखिएगा, ये उसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के नागरिकों को, न कि व्यक्ति को, वहां मेंशन है। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले प्रस्तावना में ये वर्ड लिखा हुआ है वी द पीपल और यहां पर्सन नहीं लिखा हुआ है, सिटीजन लिखा हुआ है, यहां नागरिक की बात बोल रहे हैं, है ना, पर्सन की बात नहीं बोल रहे हैं, पर्सन की बात लिख रहे हैं हिंदी में, बात नहीं, पर्सन मतलब व्यक्ति। पर्सन को जब एनालाइज कीजिएगा तो ऑलवेज याद रखिएगा, यहां पर्सन में सिटीजन नागरिक हिंदी भी समझिए, और नॉन सिटीजन आता है गैर नागरिक जो विदेशी है। इसलिए हमने बोला जब आप इंडियन क्वेश्चन पढ़ते हैं ये तीन इंपॉर्टेंट बात जरूर क्वेश्चनर पूछे जाते हैं, एक प्रीएम्बल, दूसरा मौलिक अधिकार, पढ़ने के पहले ये सब चीज को एकदम दुरुस्त कर लीजिए तब पढ़ने में मन लगेगा। यहां टीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अंग्रेजी भी जानना चाहिए, इन्हें जो खाली हिंदी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, को कहते हैं मौलिक अधिकार। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी है, इसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये ऑलवेज याद रखिएगा, प्रीएम्बल का ये क्या है, एकीकृत अंग है, ये हिंदी एकदम याद रखिए, इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। सुभाष कश्यप कहता है, डीडी बसु कहता है, पीएम बख्शी कहता है, इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो ये तीनों एक इंटीग्रल पार्ट है, तीनों की चर्चा करेंगे, है ना, हम तीनों की चर्चा करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं तीनों की चर्चा करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं आपको सुविधा हो जाएगी, है ना, इसलिए हमने कहा एकीकृत अंग, इंटीग्रल पार्ट। और गौर कीजिएगा, यहां तो हम लिख दिए हैं, और इसलिए इसको कहते हैं वन ऑर्गेनिक होल, वन ऑर्गेनिक होल, ये सब वर्ड याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस मिस करेगा, ये आम लड़का नहीं बनाएगा, आप बनाएंगे। और याद रखिए ये 69 पीटी का जो सितंबर में डेट है उसके लिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और फंडामेंटल राइट आप देखिएगा, और ओवरऑल याद रखिएगा, प्रीएम्बल सिटीजन को एड्रेस है, प्रीएम्बल किसको एड्रेस है, सिटीजन को एड्रेस है, लिखा हुआ है। गौर कीजिएगा, फंडामेंटल राइट जो है याद रखिएगा वो पार्ट थ्री में है, ये भी आपके क्वेश्चन आयर में आएंगे, ये जो है पार्ट फोर में है। अभी हम नागरिकता के बारे में नहीं बोल रहे, याद रखिएगा नागरिकता पार्ट टू में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक वो भी बताएंगे, जो हुईज सिटीजन। जो लीगल राइट और पॉलिटिकल राइट को एंजॉय करता है,
तो हम विजन कहते हैं, याद रखिएगा। इसलिए सिविल राइट भी, क्योंकि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में भी फर्क है, इस बात को याद रखिएगा। और ये पार्ट 4A याद कीजिएगा, ये बाद में जोड़ा गया है, इसलिए चार के बाद पांच होना चाहिए। पांच में द यूनियन एग्जीक्यूटिव है, संघीय कार्यपालिका है, क्योंकि पूरे संविधान में जब संशोधन हुआ, ये किस संशोधन में है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस कमिटी के अंतर्गत है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बात बताएंगे। जैसे ये यूएसएसआर से लिया गया, अर्स्टवाइल जो भूतपूर्व सोवियत संघ था, ऐसा नहीं है उसमें संविधान सभा ने निर्णय किया, उसने कहा जो मौलिक अधिकार आपके पास दिया गया है, जहां अधिकार है वहां कर्तव्य है, वो तो ऑलरेडी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसको देने की क्या जरूरत है। बाद में इंदिरा गांधी का तर्क यह आया, 42वां संवैधानिक संशोधन उन्हीं की सरकार ने किया था, जिसे मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री वो थी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और सरदार सोन सिंह की अध्यक्षता में कमिटी बनाई 42वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें इंदिरा गांधी, वहां कमिटी ने तर्क दिया जो भारत की बहुसंख्यक आबादी जो है वो इलिटरेट है, इसलिए उसको जागरूक करने के लिए लिखित रूप में देना जरूरी है, तो इसलिए उसने मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया, है ना। तो ये सारे बात जब बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वहां भी बताएंगे, लेकिन एक एट ए ग्लांस हमने आपको इंफॉर्मेशन यहां पुट किया है, ये चीज को आप समझ जाइए। बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स क्वेश्चंस हैं जो आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस में आते हैं, है ना। सीक्वेंस वाले लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, आपको हर लेक्चर में एक अलग अलग क्वेश्चनर, अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग मेमोरी के पॉइंट्स को हम डालेंगे। तो ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो भूतपूर्व सोवियत संघ से, अर्स्टवाइल यूएसएसआर से लिया गया। उसके बाद अब पहले उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, अब मौलिक कर्तव्य हो गए 11, ये भी याद रखिएगा, यही चेंजिंग है। ये 1976 में संशोधित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमने जो इसको प्रीएम्बल के बारे में बताया, ये इंफॉर्मेशन यहां तक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम प्रीएम्बल पे नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। लेट अस कॉल इट अ डे, आज ही तक।